किया है। स्पष्ट रूप से उनको ये बताना चाहिए था कि आखिर किस स्वार्थ में, किस कारणों से वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। ठग और लोभी का जो गठबंधन तैयार हो रहा है, उनको सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी हमारे अस्तित्व को समाप्त करना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं वरीषा आपके साथ। बिहार में शिक्षा और परीक्षा दोनों मजाक बनकर रह गया है। आरजेडी ने बड़ा कटाक्ष किया है। बिहार में चल रही डबल इंजन की सरकार पर आज आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने डबल इंजन की सरकार पर एक बड़ा कटाक्ष किया है। उनका कहना है कि बिहार में जिस तरीके से छपरा जिले में जयप्रकाश विश्वविद्यालय में एक टेंट और टेबल लगा करके परीक्षा लिया जा रहा था, तो आपको बता दें जिस तरीके से कुछ दिन पहले की बात करें तो बड़ा पलटवार किया गया था आरजेडी की तरफ से कि शिक्षा व्यवस्था में लगातार सुधार करने की बात कर रही थी, लेकिन इस तरीके की घटना हो जाती है जिसके बाद से जो पूरे का पूरा शिक्षा व्यवस्था है इस पर सवाल उठ जाता है। इस बारे में आरजेडी प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है, आप पहले इस वीडियो में सुनिए। स्वार्थ में किस तरह से युवाओं के रोजगार के मामले को, युवाओं के नौकरी के मामले को इन्होंने पुनः नफरत की राजनीति की ओर ढकेलने का काम किया है। और स्पष्ट रूप से बिहार के युवा जो नौकरी मिलने के बाद खुशियां महसूस कर रहे थे, जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उस मुस्कुराहट को छीनने वाले नीतीश कुमार जी ने आज इस्तीफा दे करके युवाओं को और युवाओं के नेतृत्वकर्ता तेजस्वी प्रसाद यादव का जो सोच रहा है उस सोच को धक्का पहुंचाने का काम किया है। स्पष्ट रूप से उनको ये बताना चाहिए था कि आखिर किस स्वार्थ में, किस कारणों से वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। ठग और लोभी का जो गठबंधन तैयार हो रहा है, उनको सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि 9 अगस्त 2022 के पहले आपने स्वयं कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमारे अस्तित्व को समाप्त करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को तोड़ना चाहती है, हम सभी समाजवादी विचारधारा के लोग इकट्ठे होकर के उस शक्ति का मुकाबला करें जो नफरत फैलाने का काम कर रही है। और उस समय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी, कांग्रेस और वामपंथी दलों ने आपको ये भरोसा दिया कि हम आपके अस्तित्व को समाप्त नहीं होने देंगे, हम आपके जो सोच है उस सोच को समाप्त नहीं होने देंगे। और हम लोगों ने 9 अगस्त 2022 को आपको साथ दे करके आपके अस्तित्व को भी बचाया, आपके इज्जत को भी बचाया, लेकिन आपने आज उसी पार्टी के हाथों अपने अस्तित्व को गिरवी रख दिया, अपने आप को अपने स्वार्थ में कहीं ना कहीं जो समाजवादी सोच है उसको गिरवी रखने का काम किया है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि उनका क्या कहना है आरजेडी के प्रवक्ता, कि उनका कहना है कि 18 वर्ष से जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, लेकिन इसके बावजूद जो बच्चों का जो भविष्य है, इस तरीके का जो शिक्षा व्यवस्था बच्चों को प्रदान कर रही है, ऐसे में कई तरह की चीटिंग या फिर कदाचार की घटना काफ़ी आसानी के तरीके से संभव हो सकती है, क्योंकि अगर इस तरीके की घटना लगातार बिहार में चलती रहेगी तो आगे बिहार का भविष्य है वो पूरे के पूरे सवाल के कटघरे में खड़ा हो सकता है। इसके बाद उनका सीधा सीधा तौर पर ये कहना है कि इस तरीके की घटना के बाद जो बिहार में एनडीए की सरकार है और शिक्षा विभाग है, उस पर इसका सवाल का जवाब देना लाजमी है। हालांकि इस बारे में आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। तो फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें एक न्यूज 24 को, हमारा फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।